सुल्तानपुर कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए बने क्वारंटीन सेंटर फरीदीपुर में गंदगी का अंबार लगा है, प्रशासन मौन। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 29 जुलाई 2020 को एडजस्टमेंट खुराक से लड़ी जा रही कोविड बार कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए बने क्वारंटीन सेंटर फरीदीपुर में समस्याओं का अंबार लगा है। यहां मरीजों को सुबह की चाय के साथ सूजी का हलवा खिलाया जा रहा है। रूम के अंदर जहां मरीज रखे गए हैं, उनके अगल बगल गंदगी फैली हुई है। इन मरीजों का कहना है कि डीएम और एसडीएम को सूचित किया गया, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। आखिर प्रशासनिक अधिकारी कर भी क्या सकते हैं, जब क्वारंटीन सेंटर सत्ताधारी दल के कद्दावर नेता का है, जिन्होंने सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी को भी गुमराह कर रखा है। कमरा सैनिटाइज नहीं हो रहा, आज कई दिन हो गए बाथरूम साफ नहीं। कर्मचारी कहते हैं हम उसके अंदर ही नहीं जाएंगे, उसमें कोरोना के मरीज जाते हैं। हंसराज बताते हैं कि 24 जुलाई को वो क्वारंटीन सेंटर में आए, उन्होंने रूम सैनिटाइज करने को बोला जो आज तक नहीं हुआ। कमरे में लगी बेड तक साफ नहीं है। 20 जुलाई को रात 12 बजे घर से उठाया गया और 1 बजे यहां पहुंचाया गया है। रात भर सेकेंड फ्लोर पर एक गद्दे पर लेटा हुआ था, क्योंकि यहां बेड खाली नहीं था। अगर व्यवस्थाएं नहीं है तो रात में लाने का कोई मतलब नहीं है। ना गर्म पानी मिल रहा है, ना काढ़ा मिल रहा है और ना ही प्रोटीन युक्त कोई चीज, जबकि क्वारंटीन सेंटर पर आने से पहले सभी कुछ बताया गया था। ना मास्क मिल रहा है, ना सैनिटाइजर। घर से सामान मंगाना चाहो तो वो भी लाने नहीं दिया जा रहा है। सुबह की चाय में सूजी का हलवा दिया जा रहा है। मरीजों का कहना है कि हलवा भी नाम का है, चीनी में सूजी मिलाकर दे दी गई है। क्या बोले भैया? मैं बोला सर कि जैसे मैं आया जिस दिन, उस दिन मैं बोला कमरे के अंदर सैनिटाइजर कर दो, तब मैं अंदर घुसता हूँ। तो सर वो लोग एक बार मैंने हमारी कोई बात नहीं किया, कोई बात सफाई नहीं। क्या नाम आपका? हंसराज। क्या चाहते हैं सर? रूम का बेड तो साफ सफाई का, रूम साफ सफाई तो होना चाहिए। साफ सफाई नहीं रहेगी तो गंदगी ऐसे फैलेगी और वायरस गंदगी से ही आ रहा है। कब आए हैं? हम 24 तारीख को। 24 को आए हैं। 24 से अभी तक कोई सफाई, कोई सैनिटाइजर है? सब कमरे का देख लीजिए सर। कहाँ पे है रूम आपका? 23। यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है जो है। मैं 20 तारीख को आ रहा हूँ, 20 तारीख को रात में जो है मुझको 1 बजे उठाया गया है, 12 बजे उठाया गया, 1 बजे यहाँ पहुँचाया गया है रात में। जी रात में जी। और रात भर मैं एक गद्दे पर जो है सेकंड फ्लोर पर लेटा हुआ था। कहे बेड नहीं खाली है भैया, इस पे आप लेटिए। ये व्यवस्थाएं अगर रात में ला करके और व्यवस्थाएं और रूम व्यवस्थित ना हो पाए तो रात में उठाने का कोई मतलब नहीं सिद्ध होता। जी 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 बिल्कुल। ना उस दिन में गिनती हो रही है, ना इस दिन में गिनती हो रही है। समस्याएं एकदम व्याप्त हैं। ना यहाँ पे गर्म पानी मिल रहा है, ना काढ़ा मिल रहा है, ना प्रोटीन युक्त कोई अंडे वंडे कोई चीज की व्यवस्थाएं हैं। जो कि यहाँ आने से पहले सूचित था कि हाँ वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में सभी चीज व्यवस्थित होगा। ठीक है, साफ सफाई एकदम एक से एकदम बिल्कुल गंदा है। इससे बढ़िया तो आदमी घर पे क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन हो सकता है। बस एक नाम के लिए जबरदस्ती उठा करके एक सरकारी व्यवस्थाएं। मास्क मांगने पर देखिए मास्क ना टूटा हुआ, आज 4-5 दिन से ही पहन रहा हूँ। ठीक है, अपने घर से ला करके सैनिटाइजर बोला भाई साहब सैनिटाइजर मेरा खत्म हो गया, बिना सैनिटाइजर से चल रहा हूँ। कोई सामान आने के लिए जैसे घर से मैं मंगाऊ, क्या भाई साहब सामान जो है घर से आ जाए, भैया बोल दूँ या किसी से बोल दूँ, तो सामान वहीं रोक के आ रहा है। बस पानी का गिलास बोतल बस यही आ सकता है, दवाएं और कोई भी सामान नहीं आ रहा है। ये समस्या है जो है जो है एलवन सेंटर में पूरा जो है गंदगी फैला हुआ है, ना कोई साफ सफाई ना कुछ। जब भी कहिए साफ सफाई करने के लिए तो कहते। क्या नाम आपका? पवन कुमार सोनी। भैया आपका क्या नाम है? इंद्र कुमार। आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है, आना जा गर्म पानी की व्यवस्था भाई, जो लोग आ रहे हैं सब लोग व्यवस्था थोड़ी ना है, सब गरीब अमीर सब यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ सिर्फ खाना मिल रहा है, बस खाई दो टाइम खाना और सुबह नाश्ता। खाने में क्या मिलता है? खाने में दाल चावल रोटी सब्जी मिलता है, ठीक रहता है। कल तो एक भाई साहब बता रहे थे उसमें कीड़ा भी निकल आया था। अच्छा, तो हो सकता है तो पता ही कीड़ा का, लेकिन क्या मैं दाल वाल देखी कैसे रहता है जो है कम से कम खाने से पानी। आप लोग क्या चाहते हैं? अरे कम से कम जो है पानी तो कम से कम यहाँ मिलना चाहिए, काढ़ा मिलना चाहिए जो है सिर्फ खाना। तो होना चाहिए सर, रूम के अंदर पूरी गंदगी पड़ी हुई है सर जो है कि एक भी पैसे का जो है कि मैंने बोला भी उनको कि मैं भाई 3 दिन से नहीं हुआ है। 3-4 दिन सर हमको 3 दिन आए हो गया, परसों आया हूँ मैं, परसों चिल्ला रहा हूँ सफाई कर दीजिए, वहाँ सैनिटाइज करा दीजिए, आप लोग कुछ करते ही नहीं। कोई बस कूड़ा हट गया तो हट गया,
कूड़ा भी नहीं हटाया, आप देखो कूड़ा भी नहीं हटाया कुछ। चलो